लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। रियलिटी शो बिग बॉस 11 का 14 जनवरी 2018 को ग्रैंड फिनाले होने वाला है। फिनाले में हिना खान, शिल्पा शिंदे, विकास गुप्ता और पुनीश शर्मा के बीच कड़ी टक्कर होगी। 28 साल के पुनीश ने बतौर और कॉमनर शो में एंट्री ली थी, लेकिन ये रियल लाइफ में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। बता दें कि पुनीश इससे पहले सरकार की दुनिया में 1 करोड़ रुपए का इनाम जीत चुके हैं। ये शो भी बिग बॉस की ही तरह ही था। साल 2009 में दिए एक इंटरव्यू में पुनीश ने बताया था, सरकार की दुनिया की वजह से करोड़पति बनने के अलावा मैं मिनी सेलेब भी बन गया हूँ, क्योंकि इसके बाद ही मुझे पहचान मिली है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बता दें कि इस शो में कंटेस्टेंट्स को एक आइलैंड पर रहना था और ये शो आशुतोष राणा ने ही होस्ट किया था। हाल ही में जब आशुतोष से इस शो बारे में बात की गई तो इनका कहना था, मैं बिग बॉस का फैन नहीं हूँ, मैंने अभी तक इसका एक भी एपिसोड नहीं देखा है। वहीं जब आशुतोष से पूछा गया कि क्या वो जानते हैं पुनीश शर्मा शो के टॉप 4 कंटेस्टेंट में है, तो इस पर उनका जवाब था, हाँ मैं जानता हूँ, पुनीश में पॉजिटिव एनर्जी है। वो बगैर सुविधाओं और सेलफोन के 4 महीने तक आइलैंड पर सर्वाइव कर चुके हैं। उन्हें पता है कि कैसे नेगेटिविटी से बचते हुए खुद को शो में बनाए रखना है, इसी वजह से आज वो टॉप 4 में शामिल हैं। मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ।